कोविड-19 डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसे बचने के उपाय और क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण। कोविड-19 डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट 80 देशों में फैले डेल्टा स्ट्रेन की तरह अत्यधिक संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है। सरकार का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट? कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिसे B.617.2 कहा जाता है, यह म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या AY.1 भी में भी तब्दील हो गया है। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक में K.417N म्यूटेंट जुड़े होने के कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। यही K.417N द अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के बीटा वेरिएंट और ब्राज़ील में पाए गए गामा वेरिएंट में भी मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कर्नाटक में 40 मामले पाए गए हैं। WHO ने डेल्टा वेरिएंट को वायरस ऑफ द कंसर्न करार दिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचा जाए? मास्क ज़रूर पहने, घर से कोई भी काम अगर आपको बाहर जाके करना है तो मास्क ज़रूर पहन के जाएँ और ख़ास तौर पर डबल मास्क पहने। हाथों को दिन में कई बार 20 सेकंड के लिए धोएं। लोगों से शारीरिक दूरी यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखें। बाहर से लाए गए सामान को डिसइंफेक्ट करें। डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण, अब क्या है इसके लक्षण देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस ज़्यादा संक्रामक है और फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर को मजबूती से चिपकने में सक्षम है, जिसकी वजह से फेफड़ों को जल्द नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। यह आपकी इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम है। जो लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में आ गए हैं उन्हें गंभीर खांसी, जुकाम और कोल्ड सिम्टम्स पिछले वायरस से काफ़ी अलग पाया जा रहा है। अध्ययन के अनुसार सिर दर्द, गले में खराश और नाक बहना, ठीक है, कौन कौन से सिर दर्द, गले में खराश और नाक बहना, मतलब जो आम लक्षण हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़े सबसे आम लक्षण हैं। तो इस तरह से हमने देखा डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और इस खतरनाक वेरिएंट से आप ज़रूर बचें, सावधानी रखें। थैंक यू वेरी मच।